स्टूडेंट्स इस लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं जो चार्ज मास रेशो पर हम बात कर रहे थे। तो देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन सेंट्री बिल्कुल इस सर्कल के अलॉन्ग मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, तो इस पर टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स एग्जर्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास, अगर हम उसको मैथमेटिकली यहाँ पर शो करें, तो इक्वल होता है एम वी स्क्वेयर बाय आर। ये सेंट्रिपिटल फोर्स की जो हमारे पास इक्वेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब देखिए, सेंट्रिपिटल फोर्स एक्चुअली सोर्स फोर्स पर डिपेंड करता है कि सोर्स हमारे पास कौन सा फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल सैटेलाइट या अर्थ की जो मूवमेंट है वो देखें, सो वहां पर अर्थ भी, उस पर भी सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है फ्रॉम द सन। इसी तरह जो अगर आप मून का देखें अराउंड द अर्थ, उस पर भी सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है। सो वहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फिर हम सेंट्रिपिटल और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स जो लग रहा है वो एक्चुअली ग्रेविटी की वजह से लग रहा होता है। इसीलिए हम दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो सेम चीजें होती हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें, सो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, बॉडी क्यों इन सर्कल मोशन कर रही है? क्योंकि उस पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स वो किसके इक्वल है? सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसको इन सर्कल मूव कर रहा है। सो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्चुअली क्या है? इक्वल है। यानी एक्चुअली यही मैग्नेटिक फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स। सो हम लिख लेंगे कि यहां पर एफ एम जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्चुअली यहां पर अपेयर होता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हम लिख लेंगे ये दोनों इक्वल है। एफ एम इज इक्वल टू एफ सी, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये आ जाएगा ई वी बी, ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमने पुट की इसकी जगह, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू पुट कर ले एम वी स्क्वेयर बाय आर। अब अगर आप देखें, वी और एक वी यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम मास पर डिवाइड कर ले बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा चार्ज टू मास रेशो। देखिए, एम से बोथ साइड्स डिवाइड कर ले, सो एम यहां पर आ जाएगा, ई बाय एम इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास आ जाएगा वी बाय आर। वी बाय आर, और बी को भी डिवाइड कर ले इस साइड पे, सो ये बन जाएगा वी बी डिवाइडेड बाय आर। ये एक इक्वेशन आ रहा है, सॉरी बी पर हमने डिवाइड किया, सो बी जो है वो नीचे उसकी वैल्यू आ जाएगी, वी बाय बी आर, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। अब देखिए, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो भी नॉन है, और रेडियस वो भी नॉन है, तो हम इससे चार्ज टू मास रेशियो जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखें, इसको यानी वेलोसिटी को और फिर इसकी जो रेडियस है वो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो तो हम बता सकते हैं, एक्सटर्नल कोई भी सोर्स जो हम यूज कर रहे हैं वो हम उससे बता सकते हैं कितनी उसकी नॉन वैल्यू है, लेकिन जो हमारे पास इसकी वेलोसिटी है वो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? वेलोसिटी देखें, आप यूं कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को, फॉर एग्जाम्पल इससे हटकर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस वी प्रोवाइड कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ई के इक्वल है उसका चार्ज, इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, एक हमारे पास मैकेनिकल वर्क डन जिसको हम कहते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी, एफ डॉट डी, एफ डी यानी फोर्स एग्जर्ट होता है, वो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वर्क डन। अब यहां पर जो वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, वो एक्चुअली यूं होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने भी पढ़ा था वो, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी, या अगर हम मोर सिंपली इसको लिखें, सो वो बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू ई वी, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली चार्ज यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ईवी हम लिख सकते हैं। यानी एक्चुअली हम पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, एक पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है दूसरे पर कम है, तो जब एक पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा दूसरे पर कम होगा, सो चार्जेस पर मूव करते हैं ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पर, कौन सा नेगेटिव है या पॉजिटिव, मुख्तलिफ डायरेक्शन में वो फिर अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव करेंगे, इसको हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वर्क डन। ये हमारे पास कौन सा आ रहा है? नॉन मैकेनिकल वर्क डन, यानी एक्चुअली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्ट कर रहा है एज अ फोर्स,
और जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो एक्ट कर रहा है यहाँ पर, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो यहाँ पर आप देखे मूव कर रहा है यूं, इस तरह के यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होता है। सो एक्चुअली यही एनर्जी फिर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, और वही एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअली वो हम किसके इक्वल लेंगे, एम वी स्क्वेयर के, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। सो ये आ जाएगा हमारे पास ई वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारे पास वेलोसिटी और ये उसका मास। तो यहां से आप देखें वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वी स्क्वेयर वो किसके इक्वल आ जाएगा, वी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी टू ई वी, टू बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई किया और एम पे डिवाइड किया, टू ई वी एम, टू ई वी डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। और इसी तरह अगर हम सिर्फ v की वैल्यू देखें, सिर्फ v की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें तो ये बन जाएगा टू ई वी डिवाइडेड बाई एम। अब इसी v को आप उस इक्वेशन में पुट कर लें, v की जगह पुट कर लें, जो इक्वेशन हम यहाँ पर ड्राइव कर चुके हैं, यहाँ पर वेलोसिटी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लें, सो देखिए ये इक्वेशन क्या बनता है, चार्ज टू मैस रेशो, चार्ज टू मैस रेशो वो किसके इक्वल है, वी डिवाइडेड बाई बी आर, तो वी की जगह ये वैल्यू आप पुट कर लें, ये बन जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ टू ई वी डिवाइडेड बाई एम होल डिवाइडेड बाय बी आर। अब अगर आप देखें स्क्वेयर रूट को हम यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, सो स्क्वेयर ले लें बोथ साइड स्क्वेयर लेंगे, सो ये बन जाएगा ई स्क्वेयर बाय एम स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका स्क्वेयर ले लें सो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वेयर रूट से, सो टू ई वी डिवाइडेड बाय एम ये आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय, चूंकि हम सब पूरी इक्वेशन का स्क्वेयर लेंगे तो इसका भी स्क्वेयर लेंगे और इसका भी, जो स्क्वेयर रूट के अंदर है वो सिंपली यूं हो जाएगा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे हमारे पास है बी आर, उसका स्क्वायर बी लेंगे सो वो हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब आप देखें इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, चूंकि ये बहुत एक बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं जो कि हम स्कूल लेवल पर, मिडिल स्कूल लेवल पर पढ़ते हैं, आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो ये है ई स्क्वेयर बाय एम स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखिए किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से आप कुछ चीजों को कैंसिल आउट कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट उसको हम एक ही फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, यह आ जाएगा टू ई वी डिवाइडेड बाय एम बी स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर, एम बी स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर। देखिए एक चार्ज ये यहां से और ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक मैस यहां से इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, सो हमारे पास जो चार्ज टू मैस रेशो है वो हो जाएगा टू वी डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर, बी स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर। अब देखिए इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो चार्ज टू मैस रेशियो है हमारे पास, और अगर आप रेडिया ही आपको चाहिए, जो रेडियस है इस सर्कल का वो आपको चाहिए, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, जो ट्यूब हम यूज करते हैं तो उसको हम फिल करते हैं हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन गैस से हम उसको फिल कर लेते हैं और ये होता है लो प्रेशर के ऊपर, तो फिर उससे जो इलेक्ट्रॉन पास होता है वो एक्चुअली क्या करता है, जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ये फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम्स है, जब इलेक्ट्रॉन इससे पास होता है सो वो इन एटम्स को एक्साइट करता है, यानी उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपर शेल्स में आ जाते हैं, हाई एनर्जी शेल्स में आ जाते हैं, सो जब वो डी एक्साइट होते हैं तो वो लाइट इमिट करते हैं, और जब वो लाइट इमिट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जहां जहां से पास होता है वहां वहां वो एटम्स को एक्साइट करता है, तो इसीलिए जिस पाथ से वो पास होगा वहां पर लाइट जो इमिट होगी डी एक्साइटेशन से, तो इसीलिए वो जो ट्रैक होगा इस इलेक्ट्रॉन का, जो ट्रैक होगा वो हमें नजर आएगा, विजिबल होगा, तो हम उसकी जो रेडियाई है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रेडियस आप यूं कैलकुलेट कर सकते हैं, अब उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको पुट करके यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी हम इजीली ले सकते हैं, नोन होता है, इसको पुट करके आप चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं।